महिलाएं आपको दिखाई दे रही है इस तस्वीर के अंदर, कितना शानदार नजारा ले रहे हैं। भारत, मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फिलहाल दोस्तों पहुंच चुके हैं हिसार के अंदर, और जैसा कि आपको पता है कि जून का महीना चल रहा है, मस्ती भरा महीना है। गर्मी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, लेकिन जो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और जो काफ़ी दूर जाना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए एक अच्छी जगह पर लेकर के आ गया हूँ हिसार के अंदर। और हिसार में जो सैपलेस वाटर पार्क है, रिसोर्ट्स है, वहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ मैं आपको। अंदर की जो लाइव तस्वीरें हैं वो आपको दिखाऊंगा। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आगे दिखा दें। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री गेट है और काफ़ी लोग मस्ती से एंट्री कर चुके हैं। वास्तव में बहुत देखने लायक नज़ारा है। और उधर से कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ की लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उधर से थोड़ा सा और आगे आके दिखा दें कि लाइव तस्वीरों के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर लेडीज, हर पुरुष इस चीज़ का नज़ारा लेने के लिए अपने आप को वास्तव में बहुत मतलब नज़ारा ले रहा है। जून का महीना, छुट्टियों का जो महीना होता है, उसके अंदर वास्तव में बहुत ही देखने लायक। आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा जूम करके दिखा दें कि एक बच्चे से बातचीत करें। बड़ा कैसा मज़ा आ रहा है? अच्छा। कहाँ से हो? हिसार से। घूमने में मज़ा आ रहा है आपको? नहाने में फुल एंजॉय कर रहे हो? अब बेटा क्या नाम है? उत्कर्ष। कहाँ से है? हिसार से। कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर, दूर तक आप देख सकते हैं कि दूर तक की, मैं कहूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। यहाँ जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुछ जवान साथी हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, क्या हाल? माम तो नानुंता भाई, नानुंता है। घूमने के लिए आए जी भाई साहब? बिल्कुल। कैसा रहा सैपलेस वाटर पार्क जो है, वो कैसा लग रहा है? एक नंबर बढ़िया भाई साहब, मजा आएगा। मजा आएगा जी भाई साहब। जो लोग यहाँ देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको क्या कहोगे? ये कौन भाई साहब, आओ यार नज़ारा लेके जाओ यहाँ का, बढ़िया है, एक नंबर। ओके। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार थोड़े से बातचीत करोगे उनसे, थोड़ी सी एक मुलाकात करते हैं, बातचीत करके उनको कैसा मजा आ रहा है। छोटे बड़े बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है? यानू। यानू कहाँ से है? हिसार से। हिसार से। छुट्टियाँ, स्कूल की छुट्टियाँ होने के बाद यहाँ के कैसा मजा लग रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है। कितने दिन से आ रहे हो? रेगुलर आते हो या आज ही आए हो? आज ही आए हैं। आज ही आए हो तो छुट्टियाँ अच्छी बीत रही हैं? यस। यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। मम्मी पापा आए हुए हैं साथ में? यस। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर हर व्यक्ति कोई सेल्फी लेने में मस्त है। और उधर से एक बार उधर से दिखाइएगा, वो जो चीज़ें हैं वो घूमते हुए नजर आएंगे यहाँ से आपको, और वहाँ से लाइव तस्वीरों में चलेगा। एक बार हटाइए, लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे करके और दिखाइए, तो आप थोड़ा सा उधर और चलते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा इधर आ जाएँ। बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा। कितना मज़ा आ रहा है बच्चों को, प्यार भरा नज़ारा जो है वो वास्तव में देखने लायक है। कुछ और बच्चे हैं, कुछ कपल्स हैं यहाँ पे, जो आज का जो नज़ारा है वो बड़ा मज़ा आ रहा है। बेटा क्या नाम है? वंशिका। कहाँ से हैं? सिरसा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 30। तो यहाँ का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। खूब इंजॉय कर रहे हो? तो देख सकते हैं हर व्यक्ति इंजॉय कर रहा है। कुछ लोग उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और कहाँ से हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से हैं सर? हिसार पुलिस लाइन। हिसार पुलिस लाइन। हाँ जी। तो संडे वर्गा ही काम हो रहा है आज, तो संडे मंडे बराबर हो रहे हैं। तो जून का महीना होता है सर, बड़ा ही मतलब गर्मीला माहौल होता है यहाँ का, कैसा महसूस? मौसम थोड़ा ठीक है, नहीं तो बहुत घनी गर्मी निकल। तो यहाँ का कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा सर। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोगों के विचार, जो टीम है वो कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बड़े बच्चे खुश हो रहे हैं, बस बच्चे खेतर आए थे। हाँ जी जी। नमस्कार। क्या नाम बेटा? आदिति। आदिति। अच्छा, छुट्टियाँ पड़ी हुई है एक महीने की, और पापा जी हैं? अंकल। अंकल है। पापा जी बैठे। तो घुमाने के लिए लेके आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अपने जो अंदर का, जो यहाँ के जो विचार है, कैसे बताना चाहोगे? कुछ बातें बताओगे भी? यहाँ के घर पे रहते हैं एक, तो यहाँ आगे कैसा महसूस हो रहा है बताओगे? घर पे तो बोर होते रहते हैं, और यहाँ आते हैं ना एकदम फन करते हैं, मजा करते हैं, झूला लेते हैं, स्विमिंग करते हैं, बहुत मजा आता है। हाँ, घर पे बोर हो जाते हैं। सुबह आए थे? हाँ सुबह आए थे, शाम तक यही ऐसे। हाँ जी। राम राम। राम राम जी। तो यहाँ बच्चों को टीम लेकर के आ रहे हैं, महिलाएं भी आई हुई हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं नेवी से रिटायर ऑफिसर हूँ, 3 साल हो गए, तो वो समुंदर अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा दोबारा, जो समुंदर में, हम तो 33 साल समुंदर में रहे, अभी बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम। बच्चे लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है एकदम। वैसे भी होना भी चाहिए, क्योंकि गर्मी होती है, निजात पाने के लिए जगह होनी चाहिए, और वाटर जो पार्क बनाया गया है वो बहुत अच्छे से। आज का जो मौसम है वो भी ऊपर वाला, भी देखो कितना तगड़ा मौसम है, कल बारिश भी हुई थी थोड़ी थोड़ी। ठीक। कुछ मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उधर से उधर की लाइव तस्वीरें दिखाएं एक बार कैमरामैन, जहां पे जो महिलाएं आपको दिखाई दे रही है इस तस्वीर के अंदर, कितना शानदार नज़ारा ले रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं साथ साथ में, बहुत ही शानदार। और इधर से आप देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के अंदर, आप लोग हैं वो बड़े फनी तरीके से जो है वो हर चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं, कुछ करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर हिसार से आना चाहते हैं तो हिसार से बरवाला रोड पर आइएगा,
यहाँ पे गांव पड़ता है जुगलान, जुगलान से जस्ट आप 1 किलोमीटर चलेंगे, गांव के अंदर ही मौजूद है ये, और वहाँ सेपलेस जो पार्क बना हुआ है वाकई में बहुत ही शानदार, जजमान मतलब कह सकता हूँ मैं। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो हर तरीके से इंजॉय करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, उनसे एक मुलाकात करेंगे। ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉय जो कर रहे हैं, यानी कि हर बच्चा बच्चा। एक बार थोड़ा घुमा के दिखाइएगा, एक बार पूरा सारा नज़ारा घुमा के दिखाइएगा। हर बच्चे के नज़र के ऊपर सेपलेस वाटर पार्क बना हुआ है। ये होता है प्यार, ये होता है जून का महीना। कुत्ते किस तरीके से डांस कर रहे हैं, चलो चलो, ये होता है मस्ती का नज़ारा, डांस कर रहे हैं। भाई साहब राम राम। हाँ जी राम राम भाई साहब। राम राम भाई, कहाँ से हो भाई साहब? हम हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ नौर। आज घूमने के लिए आए थे, वैसे ही आए थे? घूमने के लिए आए थे। कैसा लग रहा है, क्या बताना चाहोगे? ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है गर्मी के मौसम में, थोड़ा पानी में है। बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा होगा? हाँ जी बाहर निकलने का मन, इतना बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। हाँ जी हाँ जी। ना भाई साहब कहाँ से हैं? भाई साहब नौर से, राजस्थान। हरियाणा में, राजस्थान में वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ करके कैसे लग रहा है? यहाँ बढ़िया है, मस्ती कर रहे हैं, कूल एरिया है पूरा। साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, कोई भी घूमना चाहता है ज्यादा से ज्यादा से बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। कहाँ से मैडम? आई एम फ्रॉम संगरूर। संगरूर जी हाँ जी। पंजाब से जी? पंजाब। अच्छा, यहाँ आना पहली बार हुआ है या अक्सर? हाँ, फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ है तो मतलब बहुत सारे लोग शिमला जाना पसंद करते हैं, कोई छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद करता है, लेकिन अगर कम समय के अंदर या दूर जाना ना चाहे तो यहाँ आकर के मतलब कैसा लग रहा है? सर मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है, गेट टुगेदर हुआ है काफी लोगों के साथ, और मैं मायके हुई थी फैमिली के साथ, तो इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। साथ में बच्चे आए हुए हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं वो भी, वो बोल रहे हैं कि बार बार यहीं पे आना है हमें, मतलब तो अच्छा मजा रहती है कि बाहर जाएं, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन भी रहता है, वहाँ रहने का रहता है, और यहाँ कम टाइम के अंदर जो भी बच्चों की खुशियाँ होती है, अपनी खुशियाँ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे, मतलब कि राइड्स भी हैं, जैसे झूले हो गए, वाटर पार्क में काफ़ी सारे अलग अलग तरह के झूले हैं जो बच्चों के लिए वो नहीं है कि डेंजरस ना हो, इसलिए अच्छी हर चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया, और बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं छुट्टियों में। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो आना चाहें? जो भी यहाँ पे आए अपना टाइम निकाल के जल्दी से जल्दी आए और बहुत सारा इन्जॉय कीजिए, बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी और बच्चे इन्जॉय भी बहुत करेंगे। थैंक यू मैम। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि संगरूर से आई हुई हैं, पंजाब से, शिमला जाना पॉसिबल नहीं था बच्चों को इन्जॉय करवाने के लिए, लेकिन जून के महीने की छुट्टियां सब लोग सोचते हैं कि छुट्टियां व्यतीत करें, लेकिन फिर भी यहां कम समय के अंदर आप लोग वो इन्जॉयमेंट ले सकते हैं। कुछ और लोग हैं उधर से आ रहे हैं, उनसे भी एक छोटी सी मुलाकात करवाएंगे आपकी कि उन्होंने यहां पे इन्जॉय किया या नहीं किया, छोटा बच्चा भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। कहां से? भिवानी से हैं जी। हाँ जी प्रॉपर भिवानी से। प्रॉपर भिवानी से। हिसार के सेपलेस वाटर पार्क में आके कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाता है, अच्छी एंजॉयमेंट है, बच्चों को भी एंजॉय किया? बिल्कुल किया सर। बेटा क्या नाम है? देव। छुट्टियां जा रही थी आपकी, उसके बाद यहां आना हुआ, कैसा लगा यहां पर आकर के? अच्छा लगा। बार बार आना चाहोगे क्या? हाँ। पापा को बोल रहे बात है। क्या नाम है बेटा? तेजस्विनी। कैसा लगा यहां आकर के? अच्छा। अच्छा मतलब कुछ बताओगे यहां पे, मतलब क्या क्या चीजें थी आपको, क्या क्या किया आपने? जब मैं ना उधर से आई थी ना, तो मैं तो अगले लास्ट वाले पूल में तो डरने को होगी थी। अच्छा, लेकिन कि मैं डूब तो नहीं जाऊंगी। अच्छा, लेकिन एंजॉय अच्छा लगा आपको? हाँ। और यहाँ पे जब झरने ऊपर से डाल रहे थे पानी, यहाँ कैसा लगा? यहाँ भी अच्छा लगा, मगर ट्यूशन की छुट्टी का मारी। ट्यूशन की छुट्टी मार करके लेकिन एंजॉय करवाया मैडम जी। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा जी, वाक्य में सारे झूले सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, अच्छा लगा। हाँ जी बहुत अच्छा लगा। बार बार खुशी नजर आ रही है बच्चे के चेहरे के ऊपर। कहाँ से आए जी? कालोद से। और उस साइड से तो कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। पहली बार घूमने आए हो क्या? हाँ जी। अच्छा पहली बार आपके हस्बैंड? नमस्कार। पहली बार मैडम को घुमाने लेके आए? हाँ जी पहली बार। जिद कर रहे थे या आपने ही सोचा था? नहीं बच्चियाँ, बच्चों की छुट्टियाँ थी और बच्ची ने जिद की, बोले हम भी घूमे आते हैं घर पे, बोर हो रहे हैं। वो सही बात है सर, शिमला लेके जाएंगे, वहाँ आने जाने का भी रहेगा, रहने का भी रहेगा, और यहाँ आकर के एक दिन के अंदर फिनिश करते हैं। हाँ ये तो, ये बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर।
साथियों, जिस प्रकार से आपने लोगों के विचार सुने और यहाँ की जो लोगों की स्विमिंग थी, राइडिंग थी, हर तरीके की बहुत अच्छा इंजॉयमेंट कर रहे थे। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो मैंने आपको पता बताया है और थंबनेल के अंदर आपको पता भी लिख दूंगा और यहाँ की जो कॉस्ट है रहने की यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिख दूंगा। और छोटी सी झलक मैं आपको झूलों को भी दिखाऊंगा क्योंकि मेरे कैमरामैन साथी से मैं कहूँगा अगर टाइम हो। साथी हैं जो यहाँ पे काउंटर पे आपको मिलेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे कैमरामैन बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं हमारी। चलो, और जो साथी देख रहे हैं उनको आप एक बार थोड़ा सा कॉस्टली जो रेट यहाँ के हैं वो बता दीजिएगा ताकि वो स्टार्टिंग पे यहाँ चले तो उनको दिक्कतें ना हो। ये कपल के 1000 रुपये हैं सर और सिंगल की टिकट है 700 रुपये, चाइल्ड की 400 रुपये जी। और कितने टाइम का एंजॉयमेंट रहता है ये? सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक। सुबह 10 से 6 बजे तक? हाँ जी। ये फुल टाइम की जो है टिकट है? फुल टाइम की टिकट है। और किस तरीके से कोई भी एंजॉयमेंट? हाँ जी हाँ जी। 3 फुट से नीचे फ्री है। 3.5 फुट से लेके जो चाइल्ड की टिकट है 3.5 फुट तक बच्चा फ्री है। और 4.5 फुट हाइट तक उसके 400 रुपये लगते हैं जी। 4.5 फुट हाइट से ऊपर होगा उसके 700 रुपये टिकट लगेगी। इसके हिसाब से यहाँ जो एंजॉयमेंट कर रहा है मतलब खुली आज़ादी है उसको? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरी सेफ्टी भी? बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ गार्ड्स हैं हमारे, मैनेजमेंट हमारी, कम से कम 60। रास्ता कैसे रहेगा सर अगर कोई हिसार से आना चाहे? हिसार से भी सीधा रास्ता है सर, एयरपोर्ट चौक से सीधा तलवंडी आना बरवाड़ा रोड पे, मार्बल सिटी के अंदर स्प्लैस वाटर पार्क है जी। ऑटो भी आते होंगे? हाँ जी ऑटो भी आते हैं सर। हाँ जी धन्यवाद साथियों, एक आपको झलक और झुल्लों की ओर दिखाता हूँ, अभी बातचीत करेंगे।